कुछ क्रिकेट हो जाए प्रेजेंटेड टू यू बाय पॉन्ड्स एक्स्ट्रा डीप क्लीन एक्स्ट्रा क्लियर ग्लो पॉन्ड्स प्योर डिटॉक्स फेस वॉश एंड पावर्ड बाय स्प्राइट एंड माइको। तो बस स्प्राइट पियो, स्कैन करो और ट्रिप लगाओ। तो आईसीसी वर्ल्ड कप फ्री में देखते जाओ, कमाते जाओ, माइको लगाओ। डाउनलोड द ऐप नाउ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद शहरयार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खसूसी ट्रांसमिशन आईसीसी वर्ल्ड टी20 कुछ क्रिकेट हो जाए, और आज ये हमारी ट्रांसमिशन का आखिरी प्रोग्राम है। इंडिया ने वर्ल्ड टी20 का टाइटल अपने नाम करा लिया, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शक व शुबात की नज़र से देखी जा रही हैं, लेकिन बहरहाल जो टाइटल है वो इंडिया को फाइनली मिल गया है, ट्रॉफी भी इंडिया ने ले ली है, खुशियां भी मना ली हैं और भी तमाम चीज़ें हो गई हैं। लेकिन मैं एक चीज़ नोट कर रहा था नसीम भाई, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि जब भी कोई टीम कोई ऐसा टाइटल जीतती है तो वो एक खुशी एक अलग ही दिख रही होती है। मैं ये देख रहा था कि कल इंडियन प्लेयर्स के चेहरे पर वो खुशी नहीं थी, कुछ का तो रोना मुझे ड्रामा भी लग रहा था कि ज़बरदस्ती रोने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं, क्या मैं गलत हूँ? बिल्कुल बिल्कुल गलत मुझे इसलिए नहीं लग रहे कि आपको याद होगा जब पाकिस्तान ने वर्ल्ड टी20 जीता था तो हर खिलाड़ी कंधे पे परचम लेके ग्राउंड के चक्कर लग रहे थे, एक दूसरे से गले मिल रहे थे, चीख चीख के जो है वो सेलिब्रेट कर रहे थे कि हमने टाइटल जीत लिया। या तो इंडिया का मेच्योरिटी लेवल अब बहुत ही अच्छा हो गया है, या फिर एक एहसास उनके अंदर था। देखिए, मैंने बार बार एक बात कही थी, शायद 48 गेंदों पे 48 रन और 8 विकटें बाकी हों तो इंडिया ही रोक सकता था, या कल हमने जो फाइनल में देखा कि 30 गेंदों पे 30 रन 6 विकटें बाकी हैं, दो वो सैड बैट्समैन के जो 25 और 18 रन एक एक ओवर में बना रहे, एकदम से जो है वो सारी कहानी चेंज हो गई और इंडिया टाइटल जीत गया। शायद इंडिया ही रोक सकता था 30 गेंदों पे 30 रन। अच्छा नसीम, जैसे कि आपने कहा मैच्योरिटी लेवल जो है वो बढ़ गया, लेकिन अगर हम पिछले दो सीजन में देखते हैं तो इंडिया हारता है, जो हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि फाइनल में पहुंच के इंडिया हार जाता है, तो ये तो एक बड़ा खुशी का लम्हा था, इससे मैच्योरिटी या इमैच्योरिटी का क्या ताल्लुक? जाहिर है आप एक टाइटल जीतते हैं तो वो, जैसे जब रोहित शर्मा रोए थे तो हमने कहा नहीं यार नेचुरल रो रहे, पता लग जाता है ना कुछ चीज़ों पे, तो वो चीज़ मुझे नजर नहीं आई। बहरहाल अब लोग कहेंगे कि जी बिला वजह की क्या सराही है, हमें हमारे लिए कहेंगे कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, लेकिन हम खिसियानी बिल्ली, देखिए हम बहुत पहले बन गए थे जब हमारी टीम बाहर हो गई थी ना, हम खिसियानी बिल्ली उस वक्त, और हमने जितने खम्बे नोचने थे वो अभी तो स्टार्ट हुए, नोचते ही रहेंगे अभी, हम जब तक हमारी खम्बे पे चढ़ते उतरते रहेंगे। हमें क्या समझ रहे हैं आप, हमें ये ना समझे, हम सिर्फ बात ये कर रहे हैं कि हम बार बार आपको कह रहे हैं इंडियन आपको बहुत मुबारक हो। इवन आपको वैसे क्या लगा, ये नेचुरल था या नहीं था, क्या लग रहा था? देखिए ऑब्वियसली इंडिया की टीम जो है इस मैच में जिस तरह से वापस आई है, तो वो जिस इमोशंस के थ्रू वापस आई है, तो मुझे लिटरली ऐसा नहीं लग रहा था कि बहुत ज़्यादा पैशन उनमें नज़र आ रहे, जिस तरह की उनको सेलिब्रेशन करनी चाहिए थी ऑब्वियसली उस तरह की उनकी टीम की तरफ से नज़र नहीं आई। फिर विराट कोहली जितना काम एंड कम्पोज थे अपनी उसके अंदर मैन ऑफ द मैच की जो प्रेजेंटेशन थी, तो बिल्कुल नसीम भाई की बात से मैं एग्री करती हूँ, या तो ऑब्वियसली इनके अंदर मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा गई, टीम पहले से पता था हम जीत जाएंगे, नहीं ऐसी ऑब्वियसली ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि देखें फाइनल मैच था और इस मैच में बोथ टीम्स वर गुड इन पैचेस। शुरू में अगर हम स्टार्ट की बात करें इनिंग्स में, तो साउथ अफ्रीका ने जिस तरह से इंडिया के बैटर्स जो सेट बैटर्स थे उनको आउट कर दिया था, दे वर इन द मैच, और लास्ट मोमेंट में भी साउथ अफ्रीका वर इन द मैच। इंडिया ने जिस तरह से विक्ट्री पुल किया उसके बाद उनके जो इमोशन है वो बहुत हाई होने चाहिए थे, लेकिन वो हमें नजर नहीं। अच्छा ये हर कोई ना एक मिनट नसीब है, मुझे गलत समझ रहे थे, मैंने कहा भाई उन्हें शायद पहले से पता था हम जीत जाएंगे, कि हम अच्छी टीम है तो जीत जाएंगे, फॉरन की हम पे ऐसे शक की इल्जाम डाल देती हैं। जी मैं तो ये कह रहा था कि भाई बहुत सी, मुझे पता होता कि यार मैं जाऊंगा तो मैंने जीतना ही है, इस वजह से। देखिए मैंने एक बात आपको क्लियर कही थी कि 48 गेंदे 48 रन 8 विकटे और 30 गेंदे 30 रन 6 विकटे शायद इंडिया ही रोक सकता है, और किसी के बस की बात शायद दिखाई नहीं देती कि वो 7 आउट हुए, आपने पूरे आउट भी नहीं किए और मैच भी रन भी नहीं बन सके। पाकिस्तान का भी यही हुआ था, हमारे भी आउट नहीं हुए थे, रन भी नहीं बन सके, चलो आउट होके चले गए थे मारते हुए, ऐसा भी नहीं हुआ। तो ये इंडिया को ज़रूर जो है ना मैं मुबारकबाद दूंगा, हम आपकी टीम बहुत अच्छी है, आपकी आप खुद सोचें कि आपने इंसाफ कैसे करना है। मैं अहमन से एक चीज़ पूछना चाह रहा था, बिल्कुल अहमन, जैसे जसप्रीत बुमराह की हमने देखा कि बॉलिंग बड़ा की फैक्टर रही है। अच्छा कल के प्रोग्राम में हमने आपने एक अच्छा एक हिंट दिया था कि खेल को फेयर होना चाहिए, और उसके लिए अगर बुमराह का बॉलिंग एक्शन चेक किया जाए
तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लॉजिकल है, आप पाकिस्तान की नेशनल प्लेयर हैं अगर आप ये बात कह रही हैं। लेकिन अच्छा खराब एक्शन क्लियर कर दूं, नहीं पहले नहीं आपने खबर पढ़ी थी और उसके बाद आपने भी बात की, आप बिना वजह उस पे डाले ना, वो कह रही है मैंने खबर पढ़ी थी, उसको कॉपी पेस्ट किया। मेरा सवाल है वो ये है, एक बॉलर का एक्शन बिल्कुल फेयर है और एक बॉलर के एक्शन में थोड़ा सा 19-20 है, हम ये नहीं कह रहे बुमराह के हैं, लेकिन अगर किसी के फर्क होता है, जैसे कहते हैं शुएब अख्तर का कहते थे, वो कहते थे मुझे टेक्निकल फॉल्ट बचपन से, बायोमैकेनिक्स तो वो आके हाथ मारते थे, लोग कहते बट्टा मार रहा, कहता है मैं तो जेन्युइन हूँ। लेकिन कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि कोई एडवांटेज होता है अगर आपका एक्शन बिल्कुल लीगल ना हो, थोड़ा सा इलीगल हो, तो क्या बॉलर को एडवांटेज मिलता है इसका? ठीक है, डेफिनेटली एडवांटेज होता है क्योंकि आपके बायोमैकेनिक्स बिल्कुल डिफरेंट हैं और आप जिस तरह से बैटर आपको जिस साइड से रीड कर रहा है उसके लिए वो थोड़ी डिफिकल्ट होती है कंपैरेटिव टू अदर बॉलर्स, लेकिन बहुत ज़्यादा इससे डिफरेंस नहीं आता। डिफरेंस तब आता है जब आप एल्बो बेंड करते हैं, उसमें जर्क आता है और उसमें फोर्स ज़्यादा लगती है। और ये भाई मैं आपको खबर पढ़ी थी, बिला वजह हम एमन पे डाल देना, सी भाई पीसीबी की एक बड़ी पोस्ट के शख्स को टाटा बाय बाय कह दिया गया है, ऐसा बयान है बासित अली का। कौन है वो पीसीबी का बड़ा शख्स जिसको टाटा बाय बाय कह दिया गया, आपके ज़राए क्या बता रहे हैं? देखिए मोहसिन नकवी साहब के आने के बाद कमर्शियल डिपार्टमेंट से आपके दो तीन बड़े डायरेक्टर्स छोड़कर गए जो इस वक्त काम कर रहे थे, पहले ही जा चुके हैं, और कुछ अंदिया मिल रहा है कि और भी लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जाएंगे। तो बासित अली साहब किसकी जानेब इशारा कर रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो वहाब रियाज की जानेब इशारा कर रहे हैं, और अगर उनकी सोर्सेज मुझे नहीं पता, उन्होंने नाम तो लिया नहीं, नाम नहीं लिया ना, यही तो फंसा देते हैं। लेकिन अगर उन्होंने नाम नहीं लिया, कोई बड़ी विकेट गिरने वाली है, तो अगर बड़ी विकेट कॉम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो फिर क्रिकेटर्स कोच होगा नसीम भाई, लेकिन उन्होंने कहा दो तीन दिन में कौन के सामने आ जाएगा, अब ये तो होना ही है। अब इस तरह तो मैं भी बोल दूं भाई कोई बड़ी विकेट गिरने वाली है, अब जो भी गिरे बोले मैंने तो उसका कहा था ये नहीं बताना चाहिए ना, बताना चाहिए। अगर ये बात बासित अली कहते, बासित भाई अगर ये वाली बात कहते कि वहाब रियाज नहीं होंगे, हाँ ये बासित अली बात हम कहते हैं बासित भाई क्या आपने जो है वो बात की है, अब ये तो हमें पता ही नहीं, कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे होगा, अब जो होगा उसको बोल दोगे मैंने इसी का तो कहा था। देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अगर बड़ी विकटों की बात करूं मैं, तो सलमान नसीर मेरा नहीं ख्याल कि वो कहीं जा रहे हैं, वो हर क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के साथ बहुत अच्छी तरीके से एडजस्ट हो जाते हैं जो भी आता है। इसके अलावा अगर मैं की ऑफिशियल्स की बात करता हूँ यहाँ पर, अब मैं जिसका नाम लूंगा वो बोलेगा मेरा नाम टीवी पे लेने की क्या जरूरत है, मेरे सर पे तलवार क्यों लटका रहे हैं? हाँ, लेकिन आप भी ना लें फिर। हाँ मैं इसीलिए नहीं ले रहा हूँ, वरना जिसका भी नाम लूंगा। लेकिन बड़ी विकेट से मुराद देखिए बासित भाई क्रिकेटर है और वो क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, बड़ी विकेट मोहसिन साहब खुद तो नहीं है बड़ी विकेट तो सबसे बड़ी विकेट तो मोहसिन नकवी साहब ही है। हाँ लेकिन मेरे ख्याल है शायद मोहसिन नकवी साहब नहीं होंगे ये विकेट, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि वो क्रिकेटिंग बात करेंगे, अब उन्हें इससे तो कोई गर्ज नहीं है फाइनेंशियल का कौन है, कमर्शियल का कौन है, पीएसएल का कौन है। आप एक अंदिया दे रहे हैं कि वहाब रियाज, मेरे ख्याल है वो वहाब रियाज की बात, वहाब रियाज की बात कर रहे हैं। देखते हैं जी बड़ी विकेट कौन है, लेकिन सबसे बड़ी विकेट तो वो खुद है। इसी बात पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खसूसी ट्रांसमिशन, और बहुत सारी खबरें वर्ल्ड कप के ख़त्म होने के बाद भी आती रहती हैं, ये तो चलता ही रहता है जी। अच्छा बात हो रही थी कि जी इंडिया को फेवर करते हैं, इंडिया को फेवर करते हैं, वहीं सलमान भट्ट साहब ने कहा कि सब लोग ये कहते हैं कि इंडिया को फेवर मिलने की बात कर रहे हैं, आखिर क्यों? अगर हमने 42 गेंदों पर 42 रन स्कोर कर लिए होते तो हमारे भी बाकी मैच जो हैं वो गयाना में होते, हमारे लोग इंडिया को अच्छा खेलता नहीं देख, अच्छा खेलता जो है वो पसंद नहीं करते कि अच्छा खेल रहा है इंडिया तो हम लोग पसंद नहीं करते हैं, बस इतनी सी बात है, ये कहना है सलमान भट्ट का। नसीम भाई सलमान भट्ट ये कह रहे हैं कि जी हम भी कर लेते 42 गेंदों पे 42 रन तो हमारे भी मैचेस वहीं होते, और हम लोग जो है अगर इंडिया अच्छा खेल रहा हो तो उसको पसंद नहीं करते, ये बात सलमान भट्ट बोल रहे हैं। देखिए अगर हम जीत जाते तो उस सूरत में हमारे मैच गयाना में थे, इंडिया अगर हार जाता तो उनके मैच गयाना में ही थे, उनके नहीं और गयाना दो चीज़ें भाई, बाकी जगहों पे तो वो सिर्फ फाइनल खेलने जाना है बारबाडोस में उन्हें। तो सलमान भट्ट अब ये बातें क्यों कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। सलमान भट्ट इंडिया को अपनी टीम बनाने का मौका मिला, वो चार स्पिनर्स के साथ गए, उनका अपना संजय मांजरेकर कह रहा है कि उन्हें फेवर दी जा रही है। देखिए कहीं ना कहीं एक राइवलरी तो होती है ना इंडिया पाकिस्तान की, एक राइवलरी, अगर वो ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तानी कौम इस बात पे खुश नहीं है कि या इंडिया पे क्रिटिसाइज़ करती है कि अच्छा खेलने पे, तो हमें तकलीफ़
तकलीफ नहीं, लेकिन एक पसंद ना पसंद होती है ना कि भाई इंडिया और पाकिस्तान से भी ऐसी आ रहे होते हैं, यहां से भी ऐसी चल रही है, वो दोनों की तरफ से। तो इसको मेरे ख्याल मोहब्बत चलती रहती है हमारी, इसको मेरे ख्याल सलमान को शायद खुशी होती होगी इंडिया की अच्छी परफॉर्मेंस पे। लेकिन मैंने देखा मोस्टली आजकल क्रिकेटर्स ना वो इंडिया की फेवर में बात करते हुए दिखाई देंगे आपको। इसकी वजह ही है कि वो जो सोशल मीडिया पे चैनल सब ने बनाए हुए, वहाँ पे 1.25 करोड़ की आई बॉल जो आती है वो 25 करोड़ की नहीं आती है। तो वो जो 1.25 अरब की जो आई बॉल है उसके लिए जो है वो इस तरीके की बातें करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि सलमान भट्ट ने शायद माइकल वॉन को नहीं सुना, संजय मंजरेकर को नहीं सुना, मार्क बुचर को नहीं सुना, क्रिस गेल को नहीं सुना। सब आईसीसी। अच्छा नसीम भाई एक बात बताएगा, माइकल वॉन, संजय मंजरेकर, क्रिस गेल, ये बड़े खिलाड़ी हैं या सलमान भट्ट बड़े खिलाड़ी थे? ऐसे पूछ रहा हूँ, मेरी थोड़ी नॉलेज में कमी है। देखिए सलमान भट्ट बड़े खिलाड़ी हो गए थे। नहीं नहीं, ये जो है ये इतने बड़े खिलाड़ी जब एक बात बोल रहे हैं तो ये छोटे से बच्चे को हाथ उठाकर उल्टी सीधी बातें करना बनता है? हाँ मेरे ख्याल है सलमान को ये बात शायद अगर उनके सामने या तो कोई एक तरीके से आप बात करते। देखिए इंडिया को आप तो डायरेक्ट अपनी कॉम को बोल रहे हैं कि जी हमारे लोग जो है वो पसंद नहीं करते। वहां से तो बड़े हमें मुझे लगता है कि पाकिस्तान में जितने इंडिया के फैंस हैं शायद उनको पता नहीं है, हर कोई विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन है, नसीम भाई भी विराट कोहली के बहुत बड़ा फैन है। बिल्कुल, तो जितना यहाँ पे लोग इंडिया की क्रिकेट को एडमायर करते हैं शायद ही कहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग क्रिकेट को अंडरस्टैंड करते हैं। और कोई शक नहीं है कि इंडिया में बहुत जबरदस्त क्रिकेटर्स प्रोड्यूस हुए। इस वक्त आई वुड से कि बुमराह का कंपैरिजन हम वसीम अकरम के साथ कर सकते हैं, क्योंकि वसीम अकरम एक ऐसे बॉलर थे जिनका कोई पैरेलल नहीं था, लेकिन अब बुमराह को हम कंपेयर कर सकते हैं उनके साथ। आप हंस क्यों रहे? ठीक है, मुझे वैसी हंसी आ रही है, मुझे सलमान भट्ट की हंसी आ रही है, बुमराह का नाम सुन के हंसी आ रही थी आप। लेकिन भाई सलमान भट्ट साहब थोड़ा सा पता नहीं बाहर कुछ होगा। अच्छा इंजमामुल हक ने जवाब दे दिया जी रोहित शर्मा का, वो कह रहे हैं हमें मत सिखाओ कि रिवर्स स्विंग कैसे होती है। इंजमामुल हक ने रोहित शर्मा को ये जवाब दिया है। लोग उस जमाने में कहते थे जब पाकिस्तानी बॉलर्स पे बॉल टैम्परिंग का इल्जाम लगा था कि कुछ बैटर्स थे, क्योंकि बॉलर के हाथ तो चेक हो रहा होता था, कुछ बैटर्स थे कि जो बॉल शाइन करने के दौरान में काम करते थे, उसमें आप कहते हैं स्लिप के फील्डर को गेंद जाती थी वो शाइन करता था। फिर अगर ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, मैं सब की बात कर रहा हूँ, मैं किसी सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बॉलर का हाथ ज़रा ज़्यादा चेक हो रहा होता है। तो जब तक यहाँ से गई जी पॉइंट पे, पॉइंट वाले ने गेंद ली, उसने भी शाइन किया, दबा के हाथ में किया था। उस ज़माने में बहुत कम कैमरे थे, उसके बाद से कैमरे ज़्यादा आए। देन उसके बाद मिड ऑफ पे गई, उन्होंने भी दबा के जो है वो रगड़ा अच्छी तरीके से, फिर जब तक बॉलर के पास पहुंची। तो कहते थे कि जो बैटर्स खड़े होते थे वो बॉल को जो अगर उसको जो कहते हैं कि बनाते हैं जो इल्ज़ाम इतना लग चुका है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी खिलाड़ी बनाते थे, लेकिन वो बैट्समैन बनाते थे जो वहाँ पर खड़े होते थे, वो लोग जो है ना वो ये काम करते थे। तो मेरी अपनी ज़ाती राय में अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि इंजमामुल हक ने अगर ये बात कही तो वो तो जानते होंगे, फिर पता नहीं इसमें क्या। लेकिन इंजमाम भाई ने भाई जवाब दे दिया। इंजमाम भाई ने कहा हमें मत सिखाओ बेटा कि रिवर्स स्विंग कैसे होती है। और जाहिर है इंजमामुल हक साहब भी एक सीनियर खिलाड़ी हैं, तो उन्हें पता होगा कि क्या हुआ है या क्या नहीं हुआ है। इवन इस पूरे वर्ल्ड कप को आपने कैसा देखा, क्योंकि बहुत सारे फ्लॉज भी हमें नज़र आए। मैं मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। साउथ अफ्रीका की टीम ने भी अपनी फैमिलीज के साथ 6 घंटे एयरपोर्ट पर गुजारे, ये भी एक बड़ी टायरिंग सिचुएशन हो जाती है। कैसा आपना, और वो भी फाइनल से एक रात पहले, कि एक टीम जिसे बड़ी रेस्ट की ज़रूरत होती है, तो ये 6 घंटे एयरपोर्ट पर गुजारने के बाद मेंटली एक बड़ा प्रॉब्लम और भी आ जाता है। इसके अलावा और भी चीज़ें आईं, तो क्या देखा इस पूरे वर्ल्ड कप को आपने, किस तरह देखा? हमने लॉजिस्टिक वाइज काफ़ी इशू देखे, क्योंकि स्टार्टिंग से श्रीलंका की टीम भी कंप्लेनिंग थी, फिर उसके बाद अफगानिस्तान की टीम भी जब सेमीफाइनल में पहुंची वहां पे भी उनकी फ्लाइट का 4 आवर्स का डिले था, देन द फाइनलिस्ट टीम साउथ अफ्रीका, उनको भी लॉजिस्टिक की तरफ से इशू था। लेकिन अगर मैं ओवरऑल रिव्यू करूँ इस वर्ल्ड कप का, तो हमने इसमें बहुत डिफरेंट अपसेट्स भी देखे और बहुत ज़्यादा सक्सेस भी देखी। USA की टीम जो कि फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रही थी वो Super 8 में चली गई, अफगानिस्तान की टीम जिसको मेनोज कहते थे लेकिन वो सेमीफाइनल फाइनल तक आ गई, और साउथ अफ्रीका की टीम जिसने कभी फाइनल नहीं खेला था वो वर्ल्ड कप के फाइनल तक आ गई, और पाकिस्तान की टीम जो फाइनलिस्ट थी 2022 की, 2020 में वो सेमीफाइनल खेली थी, उनको अर्ली एग्जिट मिल गया। तो आई वुड से कि बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन थे इस वर्ल्ड कप के, लेकिन इंडिया ने डोमिनेट की बात की तो फिर वही बात करूंगा, फिर बोलेंगे वही बात कर रहा हूं,
इंडिया को मैंने कहीं लॉजिस्टिक में प्रॉब्लम नहीं देखी। फिर तो जाहिर है संजय मंजेकर और जो दूसरे बात कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, लेकिन सलमान बट पता नहीं कौन सा चश्मा लगा के देख रहे हैं। नहीं, ऑब्वियसली ये एक्स्ट्रा एडवांटेज इंडिया के पास था। ये बहुत बड़ी बात है कि किसी टीम को पहले से पता हो कि उनका सेमीफाइनल कहाँ खेले जाने। यहाँ पे इंडिया को बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिला है, इवन नॉट इन जस्ट वेस्ट इंडीज़, इन न्यूयॉर्क। वहाँ पे उनके कॉन्स्टेंटली सारे मैचेस न्यूयॉर्क के स्टेडियम में हुए हैं और उनके टाइमिंग्स भी फिक्स थे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। लेकिन मैं एक फाइनल मैच की यहाँ पे ये बात करना चाहती हूँ कि दो के दे प्लेड इन गयाना एंड दे वर एक्सपेक्टिंग देयर स्पिनर्स टू परफॉर्म वेल, लेकिन वहाँ पे उनके स्पिनर्स वो काम नहीं कर सके जो उनको करना चाहिए था। लेकिन वहाँ पे उनके फास्ट बॉलर्स ने कमाल किया, वहाँ पे उन्होंने वो आके टीम को संभाला जहाँ पे उनकी ज़रूरत थी। तो इंडिया का कॉम्बिनेशन ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त था। आप न्यूयॉर्क में जाते हैं, सलमान बट को ये नज़र नहीं आ रहा कि उनके सारे मैचेस न्यूयॉर्क में रखे गए, ये दिखाई नहीं दे रहा। पाकिस्तान टीम पहले डेलास पहुँचती है, उनका साइड मैच भी न्यूयॉर्क में, उनका पहला मैच बांग्लादेश के खिलाफ भी न्यूयॉर्क में, उसके बाद वो जो मैच खेला उन्होंने बांग्लादेश नहीं जो मैच खेले थे, फिर पाकिस्तान से मैच भी वहीं है, वहाँ से वो डायरेक्ट ट्रैवल उड़ते हैं और सिर्फ गयाना में आके बैठ जाते हैं। आप ज़रा फेवर तो देखें, बाकी टीमें इधर से उधर जाके मैचेस खेल रही हैं, उनके लिए वहाँ पर ख़त्म हो गया ना, उनके लिए कोई फ्लोरिडा है, फ्लोरिडा में उनका मैच नहीं था मेरे ख्याल। वो फिर आपने सही बात कही ना, वो सब कोई आजकल खबरों में है, तो सलमान भट्ट ने कहा होगा कि जी हम भी खबरों में आ जाए, वरना देखिए अब हम भी सलमान भट्ट को डिस्कस कर रहे हैं ना, तो भाई आपका काम तो पूरा हो गया। इसी बात पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खसूसी ट्रांसमिशन और हमारी ट्रांसमिशन का ये आखिरी ब्रेक है और फिर आप लोगों से ज़ाहिर मुलाकात होती रहेगी और थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी इस तरह का क्रिकेट में चलता रहेगा। नसीम भाई, क्या फ्यूचर देखते हैं आप आईसीसी का, क्योंकि जिस तरह की बातें आईसीसी के बारे में हम सुनते आ रहे हैं, हम सभी कर रहे हैं कि फेवरेटिज्म कर रही हैं, फिर खामोश तमाशाई बन के बैठे रहते हैं, और पिछले मासी में काफ़ी जगहों पे ऐसे इवेंट कराए जो बनते नहीं थे, जिसमें बारिशें हो रही हैं, सैलाब आ रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं जी खेलो, बस इधर ही खेलना है। तो क्या इनका फ्यूचर देखते हैं, अगर ये इसी तरह आईसीसी बीसीसीआई के आगे घुटने टेकता रहा तो क्या फ्यूचर होगा इनका? देखिए, घुटने टेक रहे हैं पैसे की वजह से और दूसरी कोई वजह नहीं है। और अगर आप देखें तो इस वर्ल्ड कप के अंदर जो हमने अमेरिका में पिचेस देखी, ऐसी सारी दुनिया में आपको नहीं मिलती इस तरह की पिचेस के। उन्होंने तो एक ग्राउंड ही तोड़ दिया, उसके बाद बोला इसमें मैच ही ना कराओ। हाँ, वो तो खैर उन्होंने वक्ती तौर पे बनाया और फिर तोड़ दिया, लेकिन कहने का मकसद है अगर आपने ऑस्ट्रेलिया से पोर्टेबल पिचेस मंगवाई थी तो उनका स्टैंडर्ड जाके आपकी टीम देखती। जो आपने पिचेस मंगवाई थी दैट इज़ नॉट फॉर दी T20 क्रिकेट, किसी तरीके से भी नहीं है। आप देखें ना, जहाँ 120 रन नहीं बन रहे हो, जहाँ पे आपके 48 गेंदों पे 48 रन नहीं बन रहे हो, 8 विकेटें बाकी हो, अब उसमें पिच का इतना बड़ा रीज़न नहीं, वो तो हमारी अपनी कोताही थी, या साउथ अफ्रीका वाले रोते रहेंगे ज़िंदगी भर। 30 गेंदें, 30 रन, 6 विकेटें बाकी और वो दो सेट बैट्समैन क्रीज पर मौजूद हैं और वो 7 रन से मैच हार गए, तो मेरे ख्याल है कि सारी ज़िंदगी का इनको अफसोस रहेगा कि इतना करीब आने के बाद उन्होंने फ़ाइनल गंवाया। अब शरीफ भाई, समझ में नहीं आया ये आईसीसी। मैंने आपको कहा ना, इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया, साउथ अफ्रीका नहीं हारा, आईसीसी हार गई है, क्योंकि जितनी दुनिया भर से तनकीद हुई है इंडिया पे, और मैं आपको कल कह रहा था, आज भी देखें साउथ इंडिया तकरीबन मैच गिव अप कर गया था। आपको आपने रोहित का चेहरा देखा था जिस वक्त 30 गेंदों पे 30 रन रह गए थे, उनके चेहरे से लग रहा था, इंडियन प्लेयर से लग रहा था, वो तो एक इतनी भार की गेंद क्लास रन खेल गए, उस पर कॉट बिहाइंड हो गए। अच्छा नसीमा, जो मैंने फ्यूचर पूछा, देखें ये तो हम सबको पता है कि जी बीसीसीआई के आगे वो घुटने टेकते हैं पैसों की वजह से, लेकिन अगर यही सूरत हाल चलती रही तो कभी कोई आईसीसी के अगेंस्ट भी कुछ उठेंगे, या ये जो और नेशंस खेल रही हैं ये वही करते रहेंगे, बस ठीक है यार चल रहा है चलने दो, और फिर हम कहेंगे आईसीसीई इंटरनेशनल क्रिकेट को एंटरटेनमेंट भी लगा देंगे, तो हमें पता होगा कि ये एंटरटेनमेंट चल रही है। हाँ, कल लोग ये कहना शुरू हो जाएंगे आईसीसी इंडिया फेवर कप, जो आईसीसी के जितने टूर्नामेंट होते हैं, तो कल ऐसा नाम ना दे दें कि आईसीसी इंडिया फेवर कप। मैं इससे हटके मैं बार बार कह रहा हूँ, इंडियन टीम बहुत अच्छी है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, उनकी उनका क्रिकेट बोर्ड बहुत अच्छा काम करता है, उनका बैकअप बहुत अच्छा है, ये सारी चीज़ें अच्छी हैं जो हमारी नहीं है अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, आपने हमारी बात की, हम आईसीसी के फ्यूचर की तो बात कर ही रहे हैं, हमारा अपना फ्यूचर क्या होगा? ये जो हमारे हीरोज हैं, मॉडल्स हैं, जो आते हैं शैम्पू के एड में, इसके एड में आते हैं, बड़ी बॉडी शॉडी दिखाते हैं, फिटनेस लेवल उधर ऐसा होता है जैसे एंड है, इनका फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप नसीम भाई? देखिए, मैं अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, मैं आपको एक बात बता दूं, अब फिर बहुत देर हो जाएगी पाकिस्तान क्रिकेट की। ये जो जिम्बाब्वे की बांग्लादेश की टीम सीरीज खेलने आ रही है, ये भले पाकिस्तान हार जाए, लेकिन मैं कह रहा हूँ आपको अपना बैकअप बनाना पड़ेगा,
आपको अपने बैकअप की जानिब जाना पड़ेगा। जब अपनी कंडीशन के अंदर आप बांग्लादेश से मुकाबले के लिए भी अपनी पूरी कमक लेकर आएंगे, पूरी ताकत लेकर आएंगे, तो फिर आप बड़ी टीम से ऑस्ट्रेलिया खेलने के लिए जब जाएंगे तो फिर क्या करेंगे? कहने का मकसद है ये वो सीरीज़ है कि जिसके अंदर आप अपने खिलाड़ियों को बना सकते हैं। और बिल्कुल सेम ऐसा ही 2003 में हुआ था जब राशिद लतीफ़ कप्तान बने थे, तो पहली सीरीज थी जब सारे यंग खिलाड़ियों को शामिल किया था। तो आप ये कहते हैं कि अभी यंग खिलाड़ियों को बिल्कुल चांस, मैं कह रहा हूं कि अगर ये हार भी जाएं तो चांस देना चाहिए उनको लेकर। माइकल जैक्सन के गाने सुनो अभी, क्या फ्यूचर है, क्या चेंजेस होनी चाहिए अपनी टीम का भी बता दें। देखिए आई बिलीव के सबसे जो स्ट्रॉन्ग चीज होती है वो आपके डोमेस्टिक का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो हमें यकीनन के इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर देखना चाहिए कि उनके प्लेयर्स जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं तो उससे पहले उनके बैक पे फर्स्ट क्लास मैचेस कितने होते हैं, कितना एक्सपोजर होता है, कितना एक्सपीरियंस होता है, फिर आईपीएल का भी होता है एक डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड सेकंड मेरी ये सजेशन है कि जिस वक्त आईपीएल हो रहा हो उस वक्त पाकिस्तान की टीम ऑब्वियसली उसमें नहीं होती, तो वो टाइम है कि जब हमें अपनी यंगस्टर्स की टीम बनानी चाहिए, उसको डेवलप करना चाहिए, बाहर की कंट्रीज में भेज के वहाँ पर उनके इंटरनेशनल मैचेस करवाने चाहिए। बिल्कुल जी, और हमारी ट्रांसमिशन जो है आज ख़त्म हो चुकी है क्योंकि वर्ल्ड कप भी ख़त्म हो ही चुका है। और इस ट्रांसमिशन में ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ हम भी बातें करते हैं, कुछ हमें भी सुनने को मिलती हैं। सोशल मीडिया के सार्फीन का बड़ा शुक्रिया अदा करूँगा जी, आप लोग बड़ा देखते हैं और कुछ लोग भर भर के हमें बुरा भला भी कहते हैं, तो कोई इतना हमारे दिल में नहीं लगती क्योंकि भाई कहते हैं ज़ाहिर है हर किसी का अपना एक मौक़िफ़ होता है, कुछ लोग ज़रा हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो कोई बात नहीं, इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पे जो भी बात हो रही होती है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स पे हो रही होती है, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि जो हम कोई ज़बरदस्ती किसी पर मुसलत कर रहे होते हैं। अगर हम इंडिया की कोई चीज़ नोटिस करते हैं, हम अफगानिस्तान की कोई नोटिस करते हैं या हम किसी भी टीम की नोटिस करते हैं तो उसको डिस्कस करते हैं, और सबसे पहले हम अपनी टीम को बहुत डिस्कस करते हैं, अपनी टीम को भी कहीं हम छोड़ते नहीं हैं। नसीम भाई क्या कहना चाहेंगे जी, एक बड़ी ज़बरदस्त ट्रांसमिशन कही, लोगों कुछ सोशल मीडिया के सार्फीन जो है वो बुरा भला भी कह रहे होते हैं, लेकिन खैर है कोई बात नहीं। शरीफ भाई आपने बड़ी अच्छी बात कही कि हमारा मकसद यहाँ बैठने के बाद तनकीद बराए तनकीद नहीं होता बल्कि तनकीद बराए मुस्बत। आपके हमने हमेशा अगर तनकीद किए तो आज भी हम बात कर रहे हैं कि आप बांग्लादेश के ख़िलाफ़ अपना बैकअप मजबूत करें। हम जो है वो इस पर बहुत सारे लोगों को, बाबर के फ़ैन होंगे वो सुबह आप अपने ही प्रोग्राम पढ़ेंगे तो आपको लगे हुए होंगे बाबर से क्या दुश्मनी है, बाबर तुम्हारा क्या लगता है, इस तरीके की। भाई बाबर हमारा हीरो है, हम आपको बाबर को ऑन करते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे पास बाबर जैसा दूसरा कोई भी नहीं है, लेकिन बाबर कब प्रूफ करेगा, कब पाकिस्तान क्रिकेट टीम प्रूफ करेगी, आप ये हमारे जहन में, दिमाग में, दिल में सवाल है कि बाबर आजम अगर आप, अगर मैं विराट कोहली के साथ अगर किंग लगता है ना तो बाबर आपके साथ, और विराट कोहली जितना प्रूफ कर चुके हैं, जितना अपने करियर में कर चुके हैं, आज वो छोड़ के चले गए T20 इंटरनेशनल क्रिकेट, कल छोड़ के चले गए, लेकिन बाबर आजम आपकी बहुत क्रिकेट बाकी है। अगर आपने खुद को मैच विनर साबित नहीं किया तो इस मुल्क की क्रिकेट का बहुत बुरा हाल होने वाला है। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन आज न्यूज़, आपका बहुत शुक्रिया राहिल भाई, आपकी पूरी प्रोडक्शन टीम, तमाम कैमरामैन हमारे जो यहाँ पर मौजूद रहे, आप सबकी कोऑर्डिनेशन का बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी होस्टिंग, और एमन ने जो बुमराह की बात की जबरदस्त। एमन क्या कहेंगी आप? बस वी आर हेयर फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर पाकिस्तान क्रिकेट टीम, और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं, आपने जैसे बोला फैक्ट्स एंड फिगर्स की हम बात करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, और हम क्या बेटर सजेशन दे सकते हैं अपने क्रिकेटर्स के लिए उस पर हम डिस्कस करते हैं। आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू आज न्यूज़, बहुत ज़बरदस्त ट्रांसमिशन करवाई, आपकी होस्टिंग में बहुत मज़ा आया, और नसीम भाई के साथ जो छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट्स हुए आज, इन्होंने बाबर को हीरो कह दिया तो मुझे बड़ी खुशी हुई। दैट्स इट, मेरे पास अनफॉर्चुनेट है कि कोई और कहने को है। बिल्कुल जी, और यहाँ पर अपनी आज न्यूज़ की इंतजामिया, हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम, राहिल और भी जितने हमारे यहाँ पे मेकअप स्टाफ और भी जितने भी लोग हैं, ज़ाहिर है अब इतने सारे लोग हैं। लेकिन तो शरीफ भाई सॉरी, एक बात जरूर मैं कह के जाऊँगा जाते जाते, इतनी सी बात कि सिर्फ बाबर एक नहीं है, बाबर के साथ जो जो थे, चाहे रिजवान थे, शाहीन शाह अफरीदी थे, शादाब थे, जो जो थे, सिर्फ एक बाबर कसूरवार नहीं है। और हमारा मकसद किसी पे कसूरवार ठहराने से हमें कौन सा कुछ मिल जाएगा, हम कहते हैं कि जी अब कुछ बड़े इवेंट्स हुआ करें या छोटे इवेंट्स भी हुआ करें तो पाकिस्तान का जो परचम है ना वो लहरा रहा हो, यही हमारी सबसे बड़ी जीत होती है, और इसी के लिए हम जितना भी क्रिटिसाइज करते हैं, जितनी भी बातें करते हैं, वो इसी वजह करते हैं कि आप लोग बेटर हो। यहाँ पर आज टीवी की इंतजामिया, राहिल सलीम और जितनी भी हमारी प्रोडक्शन टीम है जिसमें सब लोग आते हैं, उन सबका बहुत शुक्रिया, क्योंकि किसी भी ट्रांसमिशन को कामयाब बनाने के लिए एक, जाहिर है यहाँ पर तो आप तीन लोग देख रहे हैं लेकिन पीछे बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे होते हैं, चाहे वो सेट डिपार्टमेंट्स हो, चाहे MCR, PCR, मेकअप डिपार्टमेंट, ENG डिपार्टमेंट, और भी अगर मैं किसी का नाम भूल रहा हूं तो उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी ट्रांसमिशन आज खत्म हो गई,
अगली फिर किसी इवेंट में आपसे मुलाकात होगी। अपने मेजबान सैयद शहरयार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। और पाकिस्तान जिंदाबाद।